हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं अपने यहां पर एक न्यू वीडियो पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी क्या है कि हम लोगों का यूट्यूब चैनल है तो काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, काफ़ी सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि जो अभी मेरा चैनल है वो बहुत पुराना नहीं हुआ है, नया चैनल है। मेरा चैनल वेट ट्रीटमेंट के नाम से है, मगर अगर आप मुझे आशुतोष सिंह चौहान के नाम से ढूंढेंगे गूगल में या यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल वहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आपको जुड़ना में मुझसे क्यों ज़रूरी है, उसके पीछे वजह है। वजह यह है कि देखिए, मैं पहली बात तो फार्मासिस्ट हूँ, दूसरी बात हमारे यहाँ क्या है कि केवल वेटनरी का स्पेसिफिक काम होता है, मतलब जानवरों की दवाओं रिलेटेड सारा काम होता है, मतलब जानवरों की दवाओं की बिक्री होती है, विभिन्न प्रकार के डॉक्टर आते हैं, विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनियाँ हैं जैसे MST हैं, विरबैक है, इंटास है, इन कंपनियों के मार्केट रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, उनके भी मार्केट रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों के पास आते रहते हैं। उसकी वजह से हम लोगों को जो जानकारी मिल पाती है वो लेटेस्ट जानकारी हो पाती है, जो नई दवा लॉन्च हो रही है, या हम लोग कहें कि कोई दवा में क्या क्या इन्ग्रीडियंट हैं, कहाँ कहाँ पर और काम कर सकती है, क्योंकि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बेहतर चीज़ें दूँ। बेहतर चीज़ें देने का मतलब क्या है दोस्तों? बेहतर चीज़ें देने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि जो भी आपके पशुओं में इलाज हो रहा है वह इलाज ऐसा हो कि आपके पशु को जो इलाज का खर्चा आ रहा है इलाज करवाने पर, वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। देखिए, अब मैं फार्मासिस्ट हूँ तो मुझे पता है कि कौन सी दवा कहाँ पर काम करेगी और कौन सी दवा कितना महंगी है, कितना सस्ती है, मतलब फार्मिको इकोनॉमिक्स हम लोगों को आती है, हमें पता होता है कि कौन सा साल्ट सस्ता है, कौन सा साल्ट महंगा है और कौन सा साल्ट कहाँ पर एग्जैक्ट वर्क करता है। उसके बाद हम लोगों को फार्माकोलॉजी भी आती है, तो हम लोग आपको आपके पशु के अकॉर्डिंग जो भी फार्माकोलॉजी वहाँ पर बन रही है उन दवाओं की, उससे रिलेटेड भी आपको जानकारी देते हैं। उसके अलावा हम आपको अपने वीडियो चैनल पर जितने भी ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं, उन सभी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप पशुपालक हैं, देखिए, तो आपको जागरूक बनना चाहिए। तो जागरूक बनाने के लिए मैंने अपने पशुपालक भाइयों को, मेडिकल स्टोर संचालक भाइयों को जागरूकता अभियान खोला हुआ है यहाँ पर, जो हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उस जागरूकता अभियान का जो मतलब है, वो मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि जब हमारे पशुपालक भाई जो दवा ले रहे हैं, तो जब दवा आप ले रहे हैं, मान लीजिए दवा आपने ली, तो अच्छी दवा लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप दवा ले रहे हैं तो चाहे अच्छी लीजिए चाहे ख़राब लीजिए, वो रेट तो उतने की ही पड़ेगी, तो क्यों ना हम ब्रांडेड कंपनियों की दवा लें। तो इसीलिए देखिए, मार्केट में आजकल क्या है कि कई सारी कंपनियां हैं, कोई एक कंपनी तो है नहीं, आए दिन एक नई कंपनी आ रही है, तो क्या हो रहा है कि डेली डेली वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन में चेंजमेंट आ रहे हैं, तो जिससे कई जगह पर आपको दवाएं भी नहीं मिलती होंगी, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो आपको कई जगह पर नहीं मिल पा रही होंगी। तो वहाँ पर क्या है कि अगर आपको आपका जो जहाँ पर आप सामान लेने गए हैं, या हमारे जो भी मेडिकल स्टोर संचालक भाई हैं, वो क्या कर सकते हैं कि वो डॉक्टर से बात करके उस दवा का सब्स्टिट्यूट पूछ सकते हैं। वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो पशुपालक भाइयों आप निश्चिंत रहिए, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको बस ये ध्यान देना है कि वहाँ पर जो 5-6 कंपनियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, उन कंपनियों को आपको ध्यान रखना है कि वो कंपनियां हमेशा ब्रांडेड ओरिजिनल हैं। जैसे अगर बात करें MSD की, और दूसरी कंपनी है विरबैक, तीसरी इंटास, चौथी मैनकाइन, फिर एक कारगिल करके कंपनी आती है, समर्थ लाइफ साइंसेस भी आती है, उसके बाद हम लोग का विटोकुनाल भी आ रही है अभी इस समय, और उसके बाद आयुर्वेद कंपनी है, इंडियन हर्ब्स है, और माइक्रो स्टार करके कंपनी है, इस तरीके की गोयल होम्यो है, इस प्रकार की कई सारी कंपनियां हैं, एलेम्बिक है, जाइडस है जिसको हम लोग इस समय जेनेक्स नाम से जान रहे हैं। तो ये जो सारी कंपनियां हैं, ये कंपनियां ब्रांडेड कंपनियां हैं। अगर आपको इनका सामान मिल रहा है तो आप आंख मूंद कर इन पर भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, आपको जुड़ना क्यों है भाई? देखिए, अभी आपने ये वीडियो मान लो देखा, बहुत सारे लोग नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ये पहुँचेगा ही नहीं, और ये शायद पहुँचे तो 2-3 साल हो जाए, तब तक वो क्या करेंगे, अपना लॉस करेंगे। तो मैं आपको जो भी दवाएं बताऊंगा, ओरिजिनल दवाएं बताऊंगा, उसके बाद कॉस्ट इकोनॉमिकल दवाएं बताऊंगा। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि आपने 10,000 लगा दिया तो आपको रिजल्ट मिल गया,
रिजल्ट आपको, अगर आपका दोस्त फार्मासिस्ट है, पढ़ा लिखा फार्मासिस्ट, तो वह आपके पैसे को बचा सकता है, आपके जो पशुओं को होने वाले इलाज का खर्चा बड़ा को कम कर सकता है, क्योंकि फार्मासिस्ट का यही रोल है, उसको दवा का पूरा ज्ञान होता है, उसको दवा के बारे में ही पढ़ाई जाती है, सारी चीज़ें उसको पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आप इस प्रकार से उसकी बात को मानेंगे या वो डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको दवाएं देंगे, तो हो सकता है जो आपके जानवरों को ऊपर होने वाला खर्चा है वो कम हो जाएगा। उसके बाद फार्मासिस्ट आपको और क्या कर सकता है, जैसे मैं अभी आपको कर रहा हूँ, कि दवाएं आपको कैसे देनी है, दवाओं का डोज क्या रहेगा, दवाओं को दे कैसे कैसे सकते हैं, मतलब कुछ दवाएं होती हैं पानी में दी जाती हैं, कुछ दवाएं होती हैं आटे में दी जाती हैं, है ना, अलग अलग दवाएं हैं, क्या आप कुछ दवाओं को एक साथ दे सकते हैं, मतलब आपके मन में कई सारे क्वेश्चन होते हैं। तो वो आपके क्या करेगा, पेशेंट काउंसलिंग करेगा, क्यों, क्योंकि पेशेंट तो है आपका पशु, मगर आप उसके केयर गिवर हैं, तो आपकी वो मतलब एनिमल का जो केयर गिवर है उसकी काउंसलिंग करेगा, उसको उस बारे में बताएगा कि आप ये दवा लीजिए, अभी आपको यहाँ पर ये दवा की ज़रूरत है, इस तरीके से आपको वहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो अगर आपको ये भी जानकारी चाहिए तो अभी आपको आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है, उसके बाद में हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर कोई भी उल जलूल कमेंट या हम लोग कहें कि कोई भी गंदा संदा कंटेंट या हम लोग कहें कोई भी लोकल कंटेंट यहाँ पर नहीं शो करते हैं, क्योंकि हम लोगों का एक मकसद है कि हम चाहते हैं कि जो भारत देश का पशुपालक है या हम लोग कहें हमारे जो जानवर हैं पशु हैं वो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। उनके स्वास्थ्य अच्छे रहने के लिए भी हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है या हम लोग कहें ये जो यूट्यूब चैनल है उसको शुरुआत की है। तो दोस्तों किसी दिन एक दिन हम लोग ये वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सी कंपनियां ब्रांडेड हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ें, क्योंकि अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आप देखिए दिन भर आप नेट चलाते हैं, दिन भर आप नेट में रील देखते हैं, मगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और जो ऑल वाला बटन है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी मेरे वीडियो आएंगे वो सारे आएंगे और आप जागरूक बनेंगे। भाई आप 10 जानवर पाले हैं, 20 जानवर पाले हुए हैं, जानवर आपका छींकने लगा, जानवर का आपको दाना चारा छोड़ दिया अचानक से, जानवर का आपका टेम्परेचर डाउन हो गया, आप तुरंत हाँ सर ये दिक्कत है, तो आप थोड़ा सा खुद जागरूक बनिए। आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ आपने पाली है उसका थोड़ा सा तो आपको जानकारी होनी चाहिए, मतलब विटामिन मिनरल का क्या काम है, ओवर द काउंटर दवाएं कौन कौन सी हैं, कौन सी दवाएं कब देनी चाहिए, किनका कितना डोज है, ये सारा हम बता रहे हैं अपने चैनल में, पूरा एक बहुत बड़ा वीडियो। हमें कई सारे कमेंट आते हैं कि सर छोटे वीडियो बनाया करिए आप, 18 मिनट के आपके वीडियो रहते हैं, 20 मिनट के वीडियो रहते हैं, तो भाई मेरा ये जो वीडियो है ये केवल पशुपालक भाइयों के लिए ही नहीं है, ये पशुपालक भाइयों के लिए भी है, मेडिकल स्टोर संचालक भाइयों के लिए भी है, जो हमारे MR भाई हैं उनके लिए भी है, फार्मासिस्ट भाइयों के लिए भी जागरूकता अभियान है, मतलब उनको हम लोग जागरूक कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, यह एक शिक्षा का संस्थान है हमारा YouTube चैनल, हम आपको यहाँ पर उचित तथ्य उचित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि आजकल इतनी कंपनियां आ गई हैं और लोगों का ईमान उतना अच्छा भी नहीं बचा है, तो आए दिन जो नई कंपनी लॉन्च हुई अब पता चले कि उन्होंने तो भाई कोई भी कंपनी होगी तो वो तो कहे कि मैं बहुत बड़ी कंपनी हूँ, मैं अच्छी कंपनी हूँ, तो वो लोग अपने धंधे को प्रमोट करवाते हैं और कुछ लोग प्रमोट भी करते हैं, सारे लोग नहीं प्रमोट करते, मैं कुछ लोग प्रमोट करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम आपको ये पता होगा कि क्या दवा अच्छी है ब्रांडेड है, तभी तो आपको रिजल्ट मिल पाएंगे। भाई आप जब कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, मान लीजिए आप कैल्शियम लेने गए, तो आज 100 से 150 कैल्शियम है मार्केट में, कैल्शियम आपको 100 रुपये में भी मिल जाएगा जेनरिक वाला लोकल वाला, अब वही 100 रुपये का कैल्शियम आप कोई आप घर में 300 में दे दिया आकर के, 500 में दे दिया आकर के, 800 उसमें लिखा हुआ है, आप खुश हो गए कि अरे भैया बहुत अच्छे आदमी हैं, यूट्रेटोन है, हम देखते हैं यहाँ पर कि यूट्रेटोन जो है सस्ता बिक रहा है, लोकल यूट्रेटोन, इस तरह कई प्रोडक्ट है, टापी कोर करके प्रोडक्ट है तो उसकी जगह एक लोकल प्रोडक्ट आ गया टापी से, तो इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, कैल्शियम जेल की जगह कैली जेल आ गया, कितने जेल आ गए, सब कुछ आ गया है। तो इस तरीके से अगर आप जागरूक बनेंगे
क्योंकि आप पशुपाले हैं तो आपको जागरूक बनना पड़ेगा। आपको कोई भी काम है, आपने बाइक ली है तो आपको थोड़ा मैकेनिक बनना पड़ेगा, आपने पशुपाले हैं तो आपको थोड़ा डॉक्टर बनना पड़ेगा, तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो, हमने देखा है कि अभी कई सारे लोग कहेंगे कि आप ये क्यों बता रहे हैं। भाई हमने कई जगह पर देखा है कि कुछ डेयरी वाले थे, उनको कुछ नहीं आता था कि जानवर कैसे रखना है, कब हीट आई, कब क्या नहीं आया, क्या नहीं आया, कौन सी दवा कब देनी है, क्या दवा है, पता चले वो डबल डबल दवाएं दिए दे रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, मेडिकेशन एरर कर देते हैं। अब मेडिकेशन एरर कई वजह से होती है तो उसका एक अलग टॉपिक है, तो हम लोग उसको अलग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझसे जुड़ें। आप कोई भी कमेंट होगा, हम आपको सारे कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। आपको कमेंट करना है, भर भर के कमेंट करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आपको उस प्रॉब्लम को भी हमसे शेयर करनी है, अपना छोटा भाई मान करके, अपना बड़ा भाई मान करके। अगर आपको कुछ लग रहा है कि हमारे कंटेंट में कहीं पर कोई गड़बड़ी आ रही है, या हमारे डॉक्टर बंधु हैं जो सीनियर हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, अगर उनको लग रहा है कि हमारे कहीं पर वीडियो पर गलती आ रही है, तो आप हमें इंडिकेट करिए, बताइए, हम उस पर सुधार करेंगे या हम प्रयास करेंगे कि हम और बेहतर कर पाएँ। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है, और मेरी फिर एक बार लास्ट आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को फैलाएं। क्योंकि कोई दवा आज जो आप लेने जा रहे हैं ना, उसका जब आपके पशु का बीमार हुआ तो उसको जो दवा लिखी गई, वो जो दवा लिखी गई वो एक बीमारी के लिए लिखी गई है। मगर अगर वो दवा बच रही है तो उस दवा के तो अन्य भी उपयोग हैं, तो क्या आप उसको फेंक देंगे? मान लीजिए आप 1000 की दवा लाए तो क्या आप 1000 की दवा फेंक देंगे दो बार पिलाने के बाद? भाई दूसरा जानवर भी तो होगा, उसको भी तो दवा काम आ सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक आभार, नमस्कार।